വയസ്സിട്ട് ഒന്നിന് ഗുരുച്ചന താറ് പാലിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുമ്മൊന്ന് മാറ്റാശിട്ട് ഫെര് ഫെരുന്ന ഫെരുന്ന മുമ്മ ലൊട്ടി കാട്ടിച്ചിട്ട് സോറിയത്ത് ഫേസ് വേല വെക്കുക മുമ്മ തായാത്ത മുമ്മ ഉച്ച പിന്നെ ਫਿਰ ਚਾਚੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਟਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋਆਂ ਸਟਾਈਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲੇਟ ਆਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਟਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿੰਗ ਡੁੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆਹ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ SHO ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਲੇਟ ਆਵਰ ਇਹ 11 ਵਜੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ देखिए मामला इस तरीके का है कि मेरी एक क्लाइंट 15 साल की बच्ची हैं और उनके डैडी और उनकी मम्मी साथ में नहीं रहते हैं करीब 7 साल से डैडी और मम्मी अलग रहते हैं और इनकी मम्मी के ऊपर ये FIR किया है हमने क्योंकि उनकी मम्मी इनको 6 महीने से इलीगल कन्फाइन करके रूम में रखी हुई थी इनको दूध में पता नहीं क्या मिला के पिला रही थी जिसकी वजह से ये 15 से 20 घंटे बेहोश रहती थी और उन्होंने काफ़ी सारी इनके साथ उठपटान हरकतें भी की हैं इनको मारा पीटा और उनका एक लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर कोई है जिसके बारे में हमने लिखा हुआ है जो 5 साल से उस घर में रहता है उनके अगेंस्ट भी एक FIR किया है उन्होंने भी इनकी मम्मी के साथ मिल के काफ़ी हैरेस किया है मेरे क्लाइंट को इतना ही नहीं उन्होंने मेरे क्लाइंट को स्कूल से भी निकाल दिया मेरी क्लाइंट एक अच्छी स्टूडेंट हैं स्कूल से निकाल दिया उनको 9th का एग्जाम भी देने नहीं दिया 6 से 7 महीना हो गया वो स्कूल भी नहीं गई दिवाली के बाद से बिल्कुल उनको मना कर दिया गया स्कूल जाने के लिए और एग्ज़ाम्स भी देने के लिए मना कर दिया गया और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स थे जो मैंने नरेट किया है उसमें मारम पीटी के अलावा भी और काफ़ी सारा अब्यूज़ था वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप था और लास्ट की जो हरकत थी जिस वजह से काफ़ी भी हो गया था इनको करीब 10:45 रात में घर से बाहर निकाल दिया गया था जब जिस वजह से फिर उनके डैडी आके उनको पिकअप करके लेके गए और अभी फिलहाल वो डैडी के साथ रह रही हैं वजह क्या है ये जानना थोड़ा डिफिकल्ट है बट जितना समझ में आ रहा है इनकी मम्मी की ऑलरेडी 3री शादी थी इनके डैडी के साथ में और अभी जो लिविंग रिलेशनशिप है वो एक कोई अलग आदमी जिनके साथ में इनका लिविंग रिलेशनशिप है इनको इनके डैडी से बिल्कुल 1 साल तक बात करने नहीं दिया गया इनको दहशत में रखा गया ताकि ये डरें और अपने डैडी को जाके कुछ बताएं नहीं और डैडी को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करें उनका एम और ऑब्जेक्ट तो काफ़ी कुछ लगता है हो सकता है कि क्या एम और ऑब्जेक्ट हो सकता है पता नहीं एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट है मगर जो हरकतें इन्होंने की इससे तो यही समझ में आ रहा है कि इनके दिमाग में इतना डर बैठाना चाह रही थी वो कि वो किसी के भी सामने जाके कुछ बोलने के लायक नहीं रहे उन्होंने ये भी किया है कि इनके दोस्तों को उन्होंने इनके ईमेल आईडी को हैक करके
इनके दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन उन्होंने कायम किया और कम्युनिकेशन कायम करते हुए उन्होंने इनके दोस्त को भी काफ़ी उटपटाने बातें बोली इनके बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में और इनके मेंटल हेल्थ के बारे में। वो ये चाह रही थी कि इनको आइसोलेट कर दिया जाए, कोई भी इनका दोस्त नहीं रहे, इनके इनके यू नो फादर से भी बात नहीं हो, किसी से भी बात नहीं हो, और इनको धमकी दी गई कंटिन्यूअसली कि तुमने कहीं पे भी मुंह खोला तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे शीना बोरा के जैसा, और तुम कहीं भी किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ चली गई। तो इस वजह से, इस दहशत के और डर के वजह से ये मेरी क्लाइंट किसी से बात करने लायक नहीं रही। ये अभी इत्तेफाक की बात है कि 21 दिन से ये अपने डैडी के साथ रह रही हैं और मेरे लिए रुकी भी थी ये। मैं ट्रैवल कर रहा था तो जैसे मैं अभी आ गया और जैसे मुझे पहली फुर्सत मिली मैं बोला आके FIR करा देते हैं सबसे पहला, तो इस वजह से FIR हुआ है। पुलिस किस तरह सपोर्ट कर रही है? पुलिस अभी तक तो सपोर्ट कर रही है, अभी देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है, अभी आगे पता चलेगा कैसा है। इनकी जो माँ है उनसे किसी तरह कुछ आपसे बातचीत हुई थी? नहीं, अभी तो हम लोग ने भी कोई ताल्लुकात और ये मतलब कम्युनिकेशन रखा नहीं उनके साथ में। बैकग्राउंड कैसा है इनका, फैमिली का? फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। इनकी नानी जो है वो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो आई थिंक शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं और पॉलिटिकल कनेक्ट उनका बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है रिसोर्सफुल हैं और कॉन्टैक्ट्स काफ़ी हैं उनके, और आई वोंट बी सरप्राइज कि टुमारो इफ शी इज गोइंग टू बी यूजिंग सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू यू नो टू ट्राई एंड यू नो हैंडल दिस मैटर इन अ डिफरेंट वे। लेट्स सी कैसे जाएगा अभी। देखिए माँ का फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो सुनने में, सॉरी डायरेक्टर हैं, उनको फिल्म डायरेक्शन में थोड़ी दिलचस्पी है, वो कुछ कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और जो इनके जो स्टेप ब्रदर हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्टेड हैं और इनके डैडी भी फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्टेड हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं इस केस से, मगर या फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। मम्मी पॉलिटिकली काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं और मम्मी ने धमकी उसी वजह से वही कनेक्ट को उठा के उन्होंने धमकी दिया है, काफ़ी यू नो ब्लीटेंटली धमकी दी। आपने वो सीना बोरा के यूज किया था इस पूरे मामले, उसको कैसे आप इसमें? देखिए ये मामला काफ़ी गंभीर इस वजह से है क्योंकि शीना बोरा का केस अगर आप देखें तो माँ और बेटी का ही केस था वो, और वही केस का यू नो एग्जाम्पल दे के ये अपनी बच्ची को भी डरा रही हैं, अपनी बच्ची को कंटिन्यूसली डरा रही हैं, पिछले 6 महीने से डरा रही हैं, और बच्ची इतनी दहशत में है कि वो बोलने लायक नहीं है, किसी से बात करने लायक नहीं है, उनका यू नो दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था, और अभी पिछले कुछ 2 हफ्ते से जब वो डैडी के साथ रह रही हैं तो उनका दिमागी संतुलन थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा वो अभी काबू में है, और इस वजह से अभी इस लायक बन गई हैं कि आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें वो, और वैसे भी लॉज ऑफ द कंट्री माइनर को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं, और ये सब हाथ से देखते हुए कि आजकल फैमिली में आप यू नो आप ऐसे बहुत किस्से देखे होंगे कि बेटी ने बाप के ऊपर केस किया है, पर बेटी ने माँ पे इस तरीके का केस किया, शायद ये वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स होगा। सरकार कहती है, सांसद कहते हैं, लोग कहते हैं, प्रशासन कहते हैं कि ये बस्ती नाजायज है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बस्ती नाजायज है तो वोट देना क्या जायज है? यहाँ आखिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, राशन कार्ड कैसे बना? जब पानी बिजली और शौचालय की बात होती है तो वो कहते हैं ये बस्ती जो है सो अवैध है, नाजायज है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वही सारे नेता जो अवैध कहते हैं, नाजायज कहते हैं, वही कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि तुमको 2 महीने में बिजली दूंगा, 2 महीने में पानी दूंगा। और 25 सालों से चूंकि मैं एक कलाकार हूं, जब मैं ये बस्ती में आता हूं जाता हूं तो मैं देखता हूं, चूंकि कलाकार संवेदनशील होता है, मुझे ये लगता है कि आखिर इन लोगों का दोष क्या है? दोष यही है ना कि ये ठगे जाते हैं, जब भी कोई आते हैं ये उनको वोट दे देते हैं और फिर ये वही के वही खड़े रह जाते हैं। इस बार ये बस्तिकार यानी कि पानी बिजली और शौचालय बस्ती को नहीं मिलेगा, ना हम चैन से सोने देंगे किसी सरकार को और ना हम चैन से सोएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा अंतिम जो व्यक्ति है मैं उसका विकास चाहता हूँ। ये तो मुंबई है जिसे संघाई की तर्ज पर सरकार बनाने की दावा करती है, ये तो बोरीवली का इलाका है जब यहाँ 25 साल से पानी और बिजली को लोग तरस रहे हैं, तो संघाई क्या खाक बनेगा मुंबई?
ये गरीबों का अस्सी टक्के जोड़े आहे मुंबई आणि आमचे घर का लागू नाहीत आमचे आम्हाला पाणी लाईट हे सगळं का लागू नाही आम्हाला आम्ही मनुष्य नाही का आम्ही मनुष्य नाहीये का आम्हाला जीव नाहीये का आमचे लेकर पाहिलं असतं का आज ह्या लोकांचे सगळ्यांचे आणि सगळ्यात जास्त करून उठले आमदार खासदार हे लोकांचे दलाल आहेत आमच्या लोकांना हमेशा दाबून ठेवतात ह्या दलालांनी आजपर्यंत परेशान केलेले आम्हाला त्याच्यासाठी एक वहां पे 40 झोपड़े हैं 40 घर हैं वो 40 घर के सामने जीवीके कंपनी ने जाली लगा दिया है जाली के साथ में वहां पे कम से कम मुझे लगता है कि दोनों शिफ्ट मिला के 40 सिक्योरिटी बिठा के रखे हैं जो माताएं बहनें अगर निकलती हैं तो वो सिक्योरिटी वाले सब उनको जो है देखते रहते हैं घूरते रहते हैं तो उनकी जो प्राइवेसी है आदमियों की वो भी खत्म हो गई है मेरी ये मांग है आप लोगों के द्वारा कि वो जाली जल्द से जल्द वो जाली हटाया जाए और स्कूल का गेट है स्कूल का गेट कल उन्होंने खोला है लेकिन उन्होंने ये बोलते हैं कि सिर्फ डेढ़ घंटे के लिए स्कूल का गेट खुला होगा आज हम 40-50 साल से उस जगह को जानते हैं उस एरिया को जानते हैं वहां पे 6000 लोग 6000 बच्चे जो है ना वहां स्कूल में पढ़ने आते हैं आवर लेडी स्कूल है और जितने बच्चे पढ़ने आते हैं वहीं से बस घूमती है कॉलोनी के अंदर से तो मेरी ये मांग है कि पहले तो वो हमेशा के लिए गेट खुलना चाहिए और उसके बाद में जो 40 घर के सामने जाली लगा हुआ है वो निकलना चाहिए इसके बाद में पिछली सरकार ने जो पात्र अपात्र का 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स कमलेश भाई रखा था आज इस सरकार ने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और ये 15 तारीख के नवभारत टाइम्स में माननीय यहां की सांसद श्रीमती पूनम महाजन ने कोट किया हुआ है कि सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए वो है एक लाइट बिल और दूसरा है इलेक्शन कार्ड और जो जो उसमें से निकाल दिया गया है उसमें से है राशन कार्ड बैंक पासबुक ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल सर्टिफिकेट ऐसे कुछ 7-8 डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए तो मुझे ये डर है कि इतने डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद में कम से कम 50% लोग आज अपात्र हो जाएंगे तो मेरी ये सरकार से मांग है कि जो पिछली सरकार ने रखा था जितने डॉक्यूमेंट्स थे आप उसमें अगर एक्स्ट्रा जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम मेहरबानी करके उनको भी आप निकालो मत किसी को बेघर मत करो उसके बाद में जीवीके कंपनी आज की तारीख में अगर हम कोई भी काम अगर नगर सेवक के फंड से कराना चाहे आमदार के फंड से कराना चाहे या सांसद के फंड से कराना चाहे तो जीवीके परमिशन नहीं देती है बोलती है कि नहीं हम एनओसी नहीं देंगे हमारी जगह है जबकि जीवीके को लीज पे जगह दी गई है 30 साल के लिए जीवीके लीज पे ली हुई है अगर आज हम कार्पोरेटर साहब के पास जाते हैं भाई साहब फंड देने को तैयार है कि भाई फंड लेके जाओ काम करो लेकिन वहां से परमिशन नहीं आता ये खुद परेशान है तो हम हमारी ये मांग है कि 3G 4G लगाने के लिए आप खुद ने का परमिशन दे सकते हो आप वहां पे लाइन केबल डालने के लिए दे सकते हो तो आप जो है रोड बनाने के लिए या डेवलप के लिए परमिशन क्यों नहीं दे सकते हो अरे लिखित तौर पे डेपुटी कलेक्टर महाजन जी हैं कमलेश भाई भी थे उसमें हम लोगों ने उनको दिया हुआ है लेकिन इसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं होती है आप हम इस देश के चौथे स्तंभ हैं हमसे जितना हिलाना था हमने हिलाया
लेकिन इनके कान तक कोई जू तक रेंग नहीं रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग का सहयोग इसमें मिले, आप लोग का मदद इसमें मिले, ताकि ये जीवीके कंपनी सही तरह से सुधरे। 40 घर तो सीधा सीधा इफेक्टेड हो रहे हैं। हमने ये भी मांग किया, जीवीके के श्रीनिवासन जी है, हमने डायरेक्ट उनसे फोन पे बात किया, पिन दे दीजिए। सरकार के पास ये 40 घर का धोरण नहीं आया हुआ है, हमारे पास कोई लिखित राइटिंग में नहीं दिया गया हुआ, तो आप एक तरफ सर्वे भी करवा रहे हो, 40 घर को आप बंधक भी बना लिए हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे पास कोई धोरण नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 40 घर नए हैं कि पुराने? ये सारे पुराने हैं, और सारे 2000 के नहीं, 95 के भी पहले के झोपड़े हैं, और उनके ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर पेपर में दिया गया था कि ये गुंडे लोग हैं, अब वो औरतें गुंडे हो गई हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये कौन कर रहा है? मैंने ज्ञापन दिया है, कमलेश भैया को भी ज्ञापन दिया है, हमारे यहाँ कार्पोरेटर विनी डिसोजा उनको भी दिया है, संजय भाई साहब को भी दे रहा हूँ, उसके बाद में कृपा भैया को भी दिया है, प्रियादत्त जी को भी दिया है, सभी लोगों को मैं ज्ञापन दिया हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर गेट और वो 40 झोपड़े के सामने से जाली नहीं हटी तो मैं उसी गेट के सामने भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आमरण उपोषण पे बैठूंगा, चाहे अब मेरी जान रहे या नहीं रहे, लेकिन वो 40 घर का जाली हटेगा ही। स्थानीय गुंडों को मिलाकर और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने प्रेशर में लाके, और जिन बोलना नहीं चाहिए, जिन विधायक महोदय को वहां के लोगों ने आंधी में जिता के दिया था, उनसे लोगों के निवेदन है, लोगों को वो क्या कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिकल एक जगह 40 रूम का उन्होंने कवर किया है, वो देख रहे हैं कि इसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है, मीडिया कितना देख रही है। हम लोग उनको ज्ञापन दिए, कलेक्टर के यहां लेके एप्लीकेशन गए, कलेक्टर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए। विधायक जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था कि यहां के झोपड़ों को यहीं रखा जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा 3 किलोमीटर के अंदर। अब वो चक्कर में इनको मान खुर्द भेजने के लिए माहौल में जो बहुत सारे बीएमसी के और इनके प्रोजेक्ट बने हैं वहां ही भेजना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पिछली सरकार में माननीय विलासराव देशमुख साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब जब इन्होंने सर्वे का नोटिस दिया था तो मैंने मीटिंग करवा के, वहां पे ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, जीवीके आए थे, सारे वरिष्ठ अधिकारी थे, प्रमुख सचिव थे, और वहां पे स्टे मिला था। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का सर्वे नहीं होगा, इनको स्थानीय की शिफ्टिंग देना है 3 किलोमीटर के अंदर, पहले आप पीएपी बना लीजिए। तब 225 स्क्वायर फुट का रूल था, बाद में 269 स्क्वायर फुट का हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि 225 फुट का बनाए हैं, अब ये चाह रहे हैं उसी में शिफ्टिंग देना। जब सरकार का नियम बदल गया, 269 हो गया, तो आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? वो भी मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जीवीके के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह में, दूसरे लोग भी जो मुंबई शहर में एसआरए के तहत जो डेवलप हो रहा है वहां 269 मिल रहा है, इनको बोल रहे इनको 180 स्क्वायर फुट के रूम में माहौल में पहले बनाए, जो 225 के पहले का नियम था वो 180 का था, चूंकि बिल्डिंग बन गई। अब ये जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं, नियम के खिलाफ जाके कह रहे इनको उठा के शिफ्ट कर दो। स्थानिक सारे लोग विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही डिमांड करना चाह रहा हूं कि जीवी के जो भस्मासुर बन के सामान्य गरीब आदमी को डराने का काम कर रहा है, उनके ऊपर आप कानूनन दबाव डालिए, और उनको जो लोगों को 40 घर का जो इन्होंने अभी भरत सिंह ने बताया है, बहुत सही चीज बताया कि बेचारे आज उनके चारों तरफ से हवा पानी बंद कर दिए हैं, कि इंसानियत के नाते वो कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं। और मेरे ख्याल से जो उनके मुद्दे में हमेशा जो बोलते हैं हिंदू 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 पूरे देश में चल रहा है, मेरे ख्याल से सारे हिंदू हैं वहां, मराठी लोग हैं उसमें, एक आध दो कैथलिक और साउथ इंडियन है, तो उनके उनके सारे विषय के आधार पे वो लोग हैं। उसके बाद भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करके जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाए, और वो प्रैक्टिकल के आधार पे उसी पूरे सहार और पूरे जीविके की जगह में, ये खाली सहार का मुद्दा नहीं है, ये आपका खेरवाड़ी से लेके कुरला से लेके असल्फा से लेके पूरा आपके कुरला घूम के फिर एयरपोर्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द 4 किलोमीटर के अंदर
जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर झोपड़ पट्टी है लगभग ये कितने? डेढ़ लाख, एक लाख अस्सी हजार झोपड़े हैं। ये एक लाख अस्सी हजार झोपड़ों की बात है, अगर आप वोटर देखने जाएंगे तो लगभग इंटू चार कर दीजिए, पांच लाख वोटर है। पांच लाख वोटर मतलब लगभग ये 15-20 नगर सेवक हो गए और 3 विधायक हो गए उस क्षेत्र के। तो इतने लोग उनसे जब वोट मांगना होता तब तो हम नहीं जाके उनसे कहते कि 2000 के पहले के जो वोटर है वोट दें। जब आप उनको आज तक के वोटर में नाम डाल के उनसे वोट ले सकते हो तो फिर मुख्यमंत्री को मानवीय आधार पे उनको सारे लोगों को जीविका को बोल के उनको बनवा के देना चाहिए। लेलेवाड़ी में बनवा दें बिल्डिंग, जो उनकी रनवे में आने वाली जगह है उसको छोड़ के जहां फाइव स्टार होटल बनाना चाह रहे हैं, मॉल बनाना चाह रहे हैं, उसी के बगल में सामान्य गरीब आदमी के घर भी वो बनवा दें 20-22 माले के। उनका आपको पता होगा डीएन नगर में एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है 10-12 एकड़, हमने डिमांड किया था वहां 30-30 माले की बिल्डिंग आप बना के सारे एयरपोर्ट वालों को वहां भेज दीजिए, खुशी खुशी लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो वो महंगी जमीन है इसलिए वहां उन्हें भेजना चाह रहे हैं, दहिसर भेजने की सोच रहे हैं, माहौल भेजने की सोच रहे हैं, उसका हम सब खुल के विरोध करेंगे अंत तक। जैसे बताया भरत भाई ने वैसे अंत तक हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम सारे लोग भरत जैसे लोग जो सर्वपक्षी लोगों को इकट्ठा करके और उन सामान्य लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, एनसीपी की गवर्नमेंट थी, तब तक ये समस्या को हम लोग रोक के रखे थे क्योंकि जीबीके में जो श्रीनिवासन करके अधिकारी वो बहुत बड़ा झूठा है। हमारे यहाँ नवपाड़ा में वो बिल्डिंग पास किए और उन्होंने बीएमसी को लिख के दिया कि हम रोड बना के देंगे, गटर बना के देंगे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं झोपड़पट्टी का पीछे उनको देंगे। बनाया कुछ नहीं, उन्होंने एफिडेविट एक दिया महानगर पालिका को और उसके बाद अपना काम स्टार्ट किए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे, उनके यहां हम जाके उस पर स्टे लेके आए और वो काम अभी तक रुका है क्योंकि इन्होंने न गटर का काम किया। एक तालाब है नवपाड़े में, वो तालाब का सुशोभीकरण इन्होंने कहा था करेंगे, एक मंदिर बनाएंगे आने जाने के लिए आम लोगों के लिए, वहां पे पाथवे बनाएंगे, कुछ भी पब्लिक के हित में वो काम नहीं करते, खाली अपने हित का काम करते। एयरपोर्ट अच्छा बनाए, पुलिस स्टेशन से संरक्षण मिलता है इसलिए पुलिस स्टेशन एक अच्छा बना के दे दी, लेकिन आम नागरिक के लिए उन्होंने कुछ भी बना के दिया हो आप लोग खुद सर्वे कर सकते हैं तो आपको नहीं दिखेगा। जो आपने लड़ाई छेड़ी जी, ऐसा है कि हमने लड़ाई जो छेड़ा है ये लोगों की भलाई के लिए किया, ये खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, संस्था के स्वार्थ के इसमें कोई बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इसमें कमलेश भाई जैसे मेरे बड़े भाई कमलेश भाई आज नगर सेवक हैं, आज एक मजबूत हस्ती हैं और उसके बाद एक अपना इनका अनुभव है। हमारी बहन बगल की हमारे जो कारपोरेटर है विन्नी डिसूजा जी हैं, मैं तो आह्वान करता हूं कि संजय भाई साहब को, संजय निरुपम जी को, कि आप एक उत्तर भारतीय मुंबई अध्यक्ष हो और करीब करीब मुझे लगता है कि 40 से 50 हजार उत्तर भारतीय इस एयरपोर्ट लैंड पे रहते हैं, तो मेरी संस्था के माध्यम से आपको आह्वान करता हूं कि इस पूरे मुद्दे पे आप इस पे इंटरफेयर करिए और आप इस मुद्दे को हाथ में लीजिए क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है आगे चल के कारपोरेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं आप भी अगर इसको देखते हैं तो आपके पार्टी को भी फायदा है और लोगों को भी फायदा है, हमारे उत्तर भारतीयों को भी लगेगा कि एक मजबूत उत्तर भारतीय अध्यक्ष बनाए तो हमको भी सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। मरते दम तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है, भाई साहब ने कहा कि 3 किलोमीटर ठीक है, वो सरकार का अपना एक निर्णय है, मेरा ये मानना है कि लोगों को स्थानिक जहां पे वो है वहां पे ही घर मिलना चाहिए। इतना जीविके कंपनी के पास लैंड है, 150 एकड़ की बात हुई थी कमलेश भाई उनको देने की, आज 309 एकड़ पे वो जो है कब्जा करके बैठे हैं, तो उनको इतना कब्जा दिया किसने? नहीं, उनका 308 एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है, उसमें से 108 एकड़ पे अभी एक रिपोर्ट आई थी किसी संस्था से, उन्होंने रिपोर्ट मंगाया तो 108 एकड़ जमीन उनको शिफ्टिंग के लिए देना है, उस पे बिल्डिंग बना के देना है। तो वो पहले तय करें, वो सर्वे करके लोगों को डराने से अच्छा पहले तय करें कि कहां पे वो सर्वे कर रहे हैं और कहां पे उनको दे रहे हैं। जब 108 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट के अगल बगल 3 किलोमीटर के अंदर कहां उठा रहे हैं? जब एटीसी टावर आपने बनाया इतना हाइट का, जब वो बन सकता है उसको रनवे के लिए कोई तकलीफ नहीं आता है, तो बगल में 12 माले का बिल्डिंग का, 10 माले का बिल्डिंग का परमिशन देने के लिए आपको क्या जाता है? अगर आप 10-12 माले का परमिशन बिल्डिंग का देते हो तो आपको यहीं सबको बसा के मिल जाएगा।
आज कम से कम सहार गांव में 100 साल से भी पुराने घर हैं। आज उनको गांवठन जिसको कहा जाता है, आज उनको भी शिफ्टिंग की बात करते हो। 500-500 से 1000 से 2000 फुट के घर हैं, क्या आप उनको 200 के एरिया में दोगे कि 180 फुट के दोगे कि 269 में जाएगा? कैसे लोग वहां के लोग कैसे जाएंगे जो भाई 2000 स्क्वायर फुट में आज बंगलो बना के 100 साल से रह रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? तो ये सारी समस्या जो पैदा की है ये जीवीके कंपनी ने पैदा की है। और अभी जो फिलहाल सरकार है वो सरकार जो दो एविडेंस लाएगी, दो पात्र करने के लिए, एक लाइट बिल और एक जो है वोटिंग कार्ड, ये तो मतलब पूरे जनता के साथ अन्याय कर रही है। और ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। और किस हाल में जीते हैं आप? तो खाली वहाँ पे बैठ के मंत्रालय में बैठ के जीआर निकाल देते हो कि 6 महीने में निकाल देंगे, 1 साल में निकाल देंगे। क्या आप भी जीवीके के हाथों बिके हुए हो? ये सारे जो इन्होंने लिखा है ये सारे पात्रता के लिए दिया था, सपोर्टिंग पेपर, वोटर लिस्ट और लाइट बिल मानते हैं। इसके साथ करारनामा होता क्या था? पहले नियम था कि जो झोपड़े में रहता है उसी व्यक्ति का अगर 2000 के पहले का पुरावा रहेगा तो ही पात्र होगा। अभी वो नियम कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरे कार्यकर्ता जब विरोध किए तो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने करारनामा लाया कि अगर मेरा झोपड़ा 2000 के पहले है और कल कोई दूसरा आदमी खरीद रहा है उसका भी 2000 के पहले कहीं न कहीं बम्बई में दूसरी जगह नाम होगा तो उसको उस करारनामा को माना जाएगा। और उसपे ये सारे सपोर्टिंग पेपर हैं, नहीं तो लाइट बिल हमारे नाम पे रहेगी, खरीदने वाला कल रहेगा तो उसको अपात्र कर देंगे इनके नियम के आधार पे। तो उसके साथ ही सपोर्टिंग पेपर बोला गया था कि करारनामा प्लस पहले वाले के सपोर्टिंग पेपर है तो उसको पात्र माना जाएगा। अच्छा, जीवी के ऑलरेडी 2000 के पहले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एफिडेविट दिया है। ये बात 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब थे तब सरकार गई थी कोर्ट में और इनसे एफिडेविट दलवाई जबरदस्ती। इन्होंने दिया है कि 2000 तक के लोगों को हम शिफ्टिंग देंगे, हम उनको मान रहे हैं कि गवर्नमेंट जब तक के लोगों को मान्यता दे रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट तब तक के लोगों को हम देने को तैयार है। तब 2000 का जीआर नहीं आया था, अब तो 2000 का जीआर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाल दिया। तो अच्छे दिन है कि सबका विकास सबका साथ होना चाहिए, ये जो नारा है ये सबके विकास सबके साथ के लिए इन गरीबों को का भी भला होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राजनीतिक फायदा नुकसान न सोचते हुए लोगों के लिए काम करना चाहिए और उससे उनका भला हो। सामान्य गरीब आदमी 5 लाख लोगों के साथ अन्याय न हो इसके बारे में ध्यान दें। जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एन सिंह जी वो बीजेपी के MLC बने हैं अभी अभी, और हम कांग्रेस में हैं। और हमारा ये बोलने का मतलब है कि आपकी जानकारी के लिए कि मैं 20 साल सहार गांव में सहार कार्गो में काम किया हूँ, 20 ईयर्स। सहार गांव 1980 में कैसा था, 2000 में कैसा है, 2016 में कैसा है, इसमें मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा सहार गांव मुझे जानता है क्योंकि वहां के जितने बच्चे थे वो हमारे साथ काम करते थे। सहार गांव का जो कार्गो है वो एक सहार गांव के बच्चों की और उनके उत्थान के लिए एक रोजी रोटी थी, और आज भी उसके अंदर कम से कम 40% बच्चे आज भी वहीं काम कर रहे हैं। अगर आप उनको यहां से उठा के कहीं और फेंक दोगे तो वो बच्चे काम कहां करेंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा? आज सहार कार्गो के कारण उनके घर बन गए, उनके घर 50-50 साल 40-40 साल पुराने। तो ये तो मेरा भी एक अनुरोध है, कमलेश भैया यहाँ पे हैं, भरत सिंह जी इतना अच्छा एक मुहिम चला के रखे हैं तो हम भी जरूर इसमें सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से भी और भी जो संस्थाएं हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम हमारे अध्यक्ष को भी एक लेटर देंगे कि भाई आप इसमें आप सहयोग करिए क्योंकि आपकी सरकार इस समय यहाँ पे है और आप MLC बने हो तो आप भी इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ रहिए। संजय निरुपम जी से भी अनुरोध करेंगे, गुरदास कामत जी से भी अनुरोध करेंगे, जहां जहां हमारी शक्ति होगी हम जरूर इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस अन्याय के खिलाफ।
एक्चुअली उसमें ऐसा हुआ था, मैं वेनेसडे 8 तारीख को डीमार्ट गई थी। ऐसे तो मैं रेगुलर जाती हूँ वहां पे ही पास में रहती, तो कुछ भी लेना होता है मैं डीमार्ट से लेती हूँ। लेकिन वो दिन दूसरे दिन गुरुवार था, तो पूजा के लिए मुझे चने का दाल चाहिए था, तो 350 ग्राम्स के मुझे पैकेट चाहिए थे, तो मैं सिर्फ वही लेने के लिए 7:30 बजे के करीब वहां पे पहुंची। वहां पे मैंने जाके देखा तो फर्स्ट काउंटर पे जहां से हमेशा मैं लेती हूँ वो काउंटर बंद था। वहां से मैंने चने के दाल का, वहां से प्लास्टिक की बैग ली, चने के दाल का नाप किया और फिर मैं आगे दूसरे काउंटर पर गई। दूसरे काउंटर पर जो लेडी थी उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास टैग नहीं है और सेलोटेप भी खत्म हो गया, मैडम आप तीसरे काउंटर पर जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं तीसरे काउंटर पर गई। मेरे आगे दो लोग थे, उन्होंने वजन करा के ले लिया अपना मटेरियल। फिर मैंने, मेरी बारी आई, मैंने चने का दाल उसके बैग वेटिंग मशीन पे रखा। उसने 425 ग्राम का टैग लगाया, जो मैंने बोला इतना वेट नहीं है, मैं वहां से वेट करके लाई हूँ, 350 ग्राम ही वेट है। तो बोला मैडम वजन खाटा थोड़ी गलत बोलेगा। उसने मेरे चारों पैकेट के ऊपर टैग लगा दिया। फिर भी मैंने उसको बोला नहीं आपकी वजन गलत हो रही है। उसने फिर मेरी पैकेट हटाई तो मैंने बोला आपका देखो 00 नहीं आ रहा है, 65 ग्राम बता रहा है, इट मीन्स कि ये पैकेट के वेट गलत है। तो वो आदमी ने अपना मतलब जो ऊपर थोड़ा बहुत सामान गिरा था वो हटाया और प्लेट जो स्टील का ऊपर का वेटिंग रहता है वो हटाया, फिर रखा वापस 65 ग्राम दिखा रहा था। फिर उसने वापस कुछ नीचे क्या मालूम कुछ किया, हिलाया और उसके बाद 00 वेट आ गया। उसने फिर वेट किया, 360 ग्राम मेरा जो चने के दाल का पैकेट था उसका आया। उसने टैग के ऊपर टैग लगाया। फिर मैंने बाकी के 3 पैकेट ले लिए। मैंने बोला मैं अभी तुम्हारा कंप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे वेटिंग गलत हो रहा है, एक पैकेट पे तुम 65 ग्राम ज्यादा बता रहे हो, तो मेरे 4 पैकेट लिए, मेरा 1.25 किलो का पैसा वैसे ही एक्स्ट्रा ले रहे हो तुम। फिर मैं कस्टमर केयर में गई, कस्टमर केयर में जाके मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा वेटिंग मशीन गलत हो रही है और कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, वहां पे वजन ज्यादा बता रहा है। तो बोला मैडम हो ही नहीं सकता है, आपकी गलती हुई है, कुछ मशीन को टच कर लिया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उसने अपने अपने एक्सक्यूजेस अपने दिए। फिर उसके बाद वो मेरे साथ आया, जहां फर्स्ट काउंटर पे मैंने वजन किया था वहां पे उसने वेटिंग जो नॉर्मल सामान्य बनिया के पास जो रहता है वेटिंग लोहे का, वो रख के बताया कि ये मशीन का वेट ये 1 किलो का है, 1 किलो ही दिखा रहा है, मतलब ये मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तीसरे मशीन में है, वहां पे गलत बता रहा है। फिर उसने बोला मैडम आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो लो। दो पैकेट में से एक पैकेट फाड़ के पूरा दाल के डब्बे में डाल दिया, दूसरा फाड़ ही लिया लेकिन मैंने उसके हाथ में से खींच लिया। मैं बोला एक काम करो आप एक मशीन के ऊपर उसको रखो और मशीन का वेट और जो टैग का वेट है मैं दोनों साथ में ले लेती हूँ, तो मेरे पास फोटो रहेगा कि आप गलत कर रहे हो करके। बोला यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे फोटो नहीं निकाल सकते, शूटिंग नहीं कर सकते आप। बोला आप लोगों को उल्लू बना सकते हो, हम खाली जो सच है उसका फोटो नहीं ले सकते। वो आदमी जो मतलब फ्लोर मैनेजर था उसने मेरे से बहुत रूडली बात किया। फिर वहां से मैं कस्टमर केयर में वापस गई, वहां से मैंने अपने एक मित्र को फोन किया, उनको बुलाया और उनके आने के बाद उनसे थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हम लोग ने 100 पे कॉल किया। फर्स्ट टाइम कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं, मतलब उनको शायद लगा किसी ने मजाक किया होगा। दूसरी बार किया तभी उन्होंने पूरा डिटेल लिया मेरा और विद इन 5 to 7 मिनट्स पुलिस वहां पे आ गई। पुलिस आने के बाद हम लोग ने वापस फुटेज रूम में जाके वहां पे पूरा फुटेज देखा जहां से मैं आई थी और मैंने लिया वेट किया तब तक का। तो पुलिस ने बोला नहीं सही बात है मैडम, आपको क्या करना है आगे। तो मैंने बोला मुझे आगे केस करना है। फिर हम लोग फ्लोर मैनेजर को लेके एमएचबी पुलिस स्टेशन गए थे। एमएचबी पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूरा एनसी लिया। हमने बोला एफआईआर करो क्योंकि ये तो पूरा चीटिंग का केस है। तो बोला इसमें एफआईआर नहीं होगा मैडम, ये आदमी ने आपसे रूडली बिहेव किया, उसके लिए हम उनका एनसी लेंगे, आपको जो भी करना है कंज्यूमर कोर्ट में जाके कीजिए, हम यहाँ पे आगे से आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमें हमारे सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर हमने दूसरे दिन उस फुटेज फिर उस इंस्पेक्टर ने अपने जो हवलदार थे उनके साथ फुटेज लेने के लिए भेजा। हम लोग ने वो फुटेज जो इंस्पेक्टर था उनकी पेन ड्राइव में है, उनकी कॉपी मांगी हुई है, लेकिन दूसरे दिन लेने गई तब वो इंस्पेक्टर मेडिकल लीव पे थे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस को कुछ बताया इस बारे में? उसके बारे में हमने पुलिस को एप्लीकेशन दिया हुआ था कि अगर आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगे तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। वो दिन मैं सैटरडे को 11 तारीख को हंगर स्ट्राइक के लिए वहां पे गए थे, तो सीनियर पीएसआई थे, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बोला कि मैडम ये जो भी मैटर है इसको सोचने के लिए, देखने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम लेने के बाद हम जो भी होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी होगा हम उसका एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट में। आप ये नहीं समझते कि आपके साथ अगर एक ऐसा मामला हो रहा है तो जब वो काटा है तो वहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं डेली, तो डिमांड मेरा कहना वही है कि जो मेरा मतलब वहाँ पे
मैंने नोटिस किया कि वहां पे वजन ज्यादा हो रहा है, मेरे आगे भी बहुत लोग गए हैं। और इवन रात को जब भी हम लोग रात को फुटेज लेने गए थे, वो टाइम पे हमारे साथ जो हवलदार था उसने भी देखा कि वेटिंग मशीन पे कुछ भी न होने के बावजूद उस पर 66 ग्राम बता रहा था, अब करीबन रात को 10:30 के आसपास। वो टाइम पे तो पूरा डीमार्ट खाली था, वेटिंग मशीन पे कोई इवन नॉट सिंगल कुछ दाना भी नहीं था, फिर भी 66 ग्राम दिखा रहा था।